गाइस गुड इवनिंग, आई वेलकम यू ऑल टू एग्जाम शाला। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, एजुकेटर स्वतंत्र 15 जनवरी 2020 का करंट अफेयर वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आज कुछ खास है। वैसे तो हम लोग 10 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, वो करेंगे ही, लेकिन इसमें हम पिछले एक हफ्ते का करंट अफेयर वन लाइनर के रूप में लेंगे। आप इसको कह सकते हो कि एक रिविजन वीडियो भी है, जिससे कि आप रिविजन कर पाए आपने जो भी अभी तक पढ़ा है। वो उसमें डिस्कशन नहीं करूंगा उस पार्ट में, बस 5-7 मिनट में जल्दी से रिवाइज करा दूंगा आप क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है बैंक एसएससी एग्जामशाला, ठीक है। अब एग्जामशाला सर्च करेंगे, आपको दो चैनल मिलेंगे, एक सिर्फ एग्जामशाला इंडिया और दूसरा मिलेगा एग्जामशाला इंडिया बैंक एसएससी। तो आपको इसी नाम को सर्च करना है जो कि आपको स्क्रीन पे मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर अटेम्प्ट करिए। और क्वेश्चन है, मकर संक्रांति त्योहार है जो सेलिब्रेट किया जाता है, वह किस राक्षस के मारने पे किया जाता है, मतलब इस दिन किस राक्षस को मारा गया था। चार ऑप्शन है आपके पास, और एक है शंकरासुर, होलिका, दक्षा प्रजापति या माया। तो आप जरूर इसे अटेम्प्ट करिए। देखिए, अटेम्प्ट करने का फायदा होता है कि वो क्वेश्चन कभी भूलता नहीं। हम जिसको भी लिख लेते हैं, जिस भी बात को लिखते हैं, वो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहती है। तो लिखिए जरूर, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, बताइए क्या है। इसका आंसर मैं दूंगा आपको वीडियो के अंत में। तो चलिए देख लेते हैं आज क्या है। तो डेली डोज की बात कर रहा हूं, और इसमें जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो ये रहा वीकली करंट अफेयर का पार्ट। तो देखिए, सबसे पहले आया आपका फिल्म के बारे में। तो कौन सी फिल्म है, देखिए, द बेस्ट फिल्म दैट वाज अवार्डेड द बेस्ट फीचर फिल्म एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 1917, ठीक है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है, उस किसे मिला है, 1917 को मिला है। उसके अलावा इतिहास में सातवें बैट्समैन बने हैं जिसने एक ओवर में 6 छक्के मारे हैं। बड़े ही बदनसीब होते हैं ऐसे बॉलर जिनको 6 छक्के पड़ जाए। तो एक को युवराज सिंह ने बनाया था, और यहाँ पे लियो कार्टर जी ने बनाया है। क्या आप मुझे बताएंगे कि बाकी और कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने 6 छक्के एक ही ओवर में मारे हैं, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं तीसरे वन लाइनर की तरफ, और तीसरा वन लाइनर है, ब्रेल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। सर जी, ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 4 जनवरी को, ठीक है। कब 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और आप मुझे बताइए क्या नाम था उनका जिनके नाम के ऊपर ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। पूरा नाम बताइए क्या है, मैं बताया था आपको पिछले वीडियो में। चलिए 4 जनवरी याद रखेंगे, और बढ़ते हैं आगे। अगला वन लाइनर आपके सामने रहा, अभी एक इंडियन क्रिकेटर ने संन्यास लिया है, उनका नाम है इरफान पठान। याद रखिएगा, एक शानदार पारी थी इनकी, मुझे याद है पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने हैट्रिक ली थी, बहुत ही शानदार बॉलिंग थी उस दौरान, आज भी याद है, वो क्रिकेट नहीं भूल सकता मैं। और इसके अलावा वर्ल्ड कप में भी काफी बड़ा हाथ रहा इनका 2007 में। चलिए बढ़ते हैं अगले। तो नंबर ऑफ मीडिया इंस्टीट्यूशंस फॉर विच द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे मीडिया ऑनर हैज बीन अनाउंस बाय द गवर्नमेंट, 30 है, ठीक है। 30 मीडिया हाउसेस को या इंस्टीट्यूशंस को अवार्ड दिया गया है। क्या किस लिए, क्योंकि मीडिया की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, किस तरीके से मीडिया काम कर रही है, इनके लिए बातें थी। इसके अलावा अभी रिसेंट न्यूज जो आपकी इराक और यूएस को लेकर के है, काफी ज्यादा एक दूसरे पे तानाशाही बढ़ चुकी है, एक दूसरे की बात भी नहीं सुन रहे, और लोगों को प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पे है ईरानियन जनरल हु वॉज रिसेंटली टारगेटेड बाय द US इन अ ड्रोन मिसाइल अटैक, तो जनरल कासिम सुलेमानी, ठीक है, इनको टारगेट क्या किया गया है, मार ही दिया गया है। चलिए आगे आते हैं। द नेम बाय विच द हेल्पलाइन वॉज लॉन्च बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, तो ये है दामनी, ठीक है। दामनी जो है ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। अच्छा, एक महाराष्ट्र में भी शुरू हुई है, कि मुझे बताइए वो क्या है। मैंने वीडियो में कवर अप किया था, तब मैंने दामनी का नाम लिया था, और मैंने आपको उसके बारे में बताया था। मुझे पता है महाराष्ट्र में भी शुरू हुई है, वो क्या है, ठीक है। इसी तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के साउथ के एक स्टेट में भी किसी चीज की शुरुआत करी गई थी। मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूं, आपका काम याद करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। लिखने का फायदा ये होता है कि आप भूलते नहीं है। जल्दी आते हैं, और अब हम बात करेंगे 3 जनवरी को सावित्री बाई फुले जी की 189th बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है। याद रखिएगा, सावित्री बाई फुले जी की कौन सी एनिवर्सरी थी, 189। उसके अलावा आगे आते हैं, इंदिरा गांधी अवार्ड, ठीक है, ये 2020 के लिए मिला है आर के रामानुजम को, ये साइंटिस्ट रहे हैं। उसके अलावा उमराव सिसोका, द कंट्री हुज प्रेसिडेंट हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड, तो कंट्री का नाम है का गुएना बिसाओ। आगे आते हैं, और ये रहा अगला। सो
In order to promote vaccination in the country, the second phase of central government mission started. इंद्रधनुष 2.0 वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत ज्यादा चल रहा है और अभी एक वैक्सीनेशन और भी लॉन्च किया था, मैं आपको याद दिलाता हूं, आप याद करने की कोशिश करिएगा, आपकी माउथ एंड डिजीज को लेकर के था, ठीक है, वो जानवरों में होती है। चलिए हम आगे आते हैं। हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द फॉरेस्ट स्पीसीज क्लेम टू हैव डाइड ड्यू टू फायर इन फॉरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अभी आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में एक भयानक आग लगी जिससे 50 करोड़ से भी ज्यादा कह सकते हैं कि जो हमारी स्पीसीज हैं, जानवर हैं, उनकी मृत्यु हुई, उसमें से आधी पॉपुलेशन कोआला की समाप्त हो चुकी है। बहुत ही बड़ा कह सकता हूं नुकसान है प्रकृति का ये। इसके अलावा इंडिया की पहली मैंड स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग कहां पे हुई या कहां करी गई, तो ये सेंटर की बात है, तो कर्नाटका में। द फर्स्ट स्टेट वेयर फर्स्ट मैंड स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड, वो है कर्नाटका। आगे आते हैं कुछ और वन लाइनर जो कि इंपॉर्टेंट लगे मुझे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आप इनको याद जरूर रखिए, अदरवाइज फिर यही होगा कि समझ नहीं आया या भूल गए, रिवीजन के लिए बढ़िया चीज रहेगी। द इंडियन प्लेयर हु वन द टाइटल ऑफ हेस्टिंग इंटरनेशनल चेस कांग्रेस इन इंग्लैंड, इनका नाम है पी मंगेश चंद्रन, ठीक है, क्या है, पी मंगेश चंद्रन। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिलीज किया है अमाउंट देने के लिए ऑल स्टेट को, कितने स्टेट हैं उसमें, तो है 7, ठीक है, और अमाउंट है 5908 करोड़, ठीक है। चलिए उसके अलावा आगे आते हैं, सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, मेंस पिस्टल इवेंट में, और ये 63वें नंबर का नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप था, तो इनकी कैटेगरी क्या थी, ये कैटेगरी थी 10 मीटर इन मैन सेक्शन, याद रख रहे हैं। सौरभ चौधरी जी ने कहां पे जीता, 63rd नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, और ये 10 इनकी जो कैटेगरी थी वो 10 मीटर की थी। बढ़ते हैं आगे, और जो कुछ और वन लाइनर है उसमें से एक है, द स्टेट हुज फॉर्मर गवर्नर त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी डाइड एट नोएडा कैलाश हॉस्पिटल रिसेंटली एट द एज ऑफ 90, कर्नाटका। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये हॉस्पिटल क्यों लिख दिया, शहर क्यों लिख दिया, भाई ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, रिसेंटली शहर पूछ लेते हैं कभी कभी, तो हॉस्पिटल का नाम भी पूछ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन यूजुअली ऐसा पूछ लेते हैं कि लोग गलत ही करते हैं थोड़ा भीड़ को कम करने के लिए, तो भी याद रखना चाहिए, मतलब आज के समय पर आप किसी भी तरीके से चीजों को छोड़ नहीं सकते, याद रखना है। आगे आते हैं, द कंट्री विच हैज अनाउंस आफ्टर इंक्रीजिंग टेंशन विद द यूएस विल नो लॉन्गर कंप्लाई विद द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज अंडर द 2015 न्यूक्लियर डील, तो किसने खुद को अलग कर लिया है, वो है ईरान। ओके चलिए आगे देखते हैं, और अभी हाल ही में महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है जिसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपने भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करने का फैसला किया है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें किसका नाम है, महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। बढ़ते हैं आगे इसी रिवीजन में, और रिवीजन में अगला क्वेश्चन है, फॉर्मर स्पीकर ऑफ तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली और सीनियर लीडर ऑफ AIADMK की मृत्यु हो गई है, इनका नाम है PH पांडियन, ठीक है। देखिए मैं ऐसी न्यूज कवर करता हूँ, कई बार कहता भी हूँ, जो स्टेट इस समय न्यूज में ज्यादा है उसको पकड़ के चले, जैसे कि अभी इस समय उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा न्यूज में है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, शिक्षा की वजह से, जो कि इसलिए जाना भी जाता है, थोड़ा मेरा राज्य है लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ। इसी तरीके से आपका महाराष्ट्र काफी ज्यादा न्यूज में है, गुजरात न्यूज में है, ठीक है, अभी यहाँ पे वल्लभ भाई जी की जो यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसको एट वंडर में भी रखा गया, उसके अलावा अहमदाबाद में भी वल्लभ भाई जी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति रखी गई, तो गुजरात न्यूज में है, सूरत गुजरात के एक शहर सूरत भी इसी न्यूज में आया था, तो हमें नजर में रखना चाहिए क्योंकि इससे आइडिया रहता है क्या न्यूज में आ सकता है, क्या करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी है। जैसे IIT लगातार न्यूज में चल रहे हैं, तो IIT रिलेटेड जो भी इन्वेंशन है समिट्स है उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान दो। उसके अलावा चलिए अगला देखते हैं, सो द प्लेस एट विच इंडिया फर्स्ट टर्टल रिहेबिलेशन सेंटर हैज बीन अनाउंस, तो कछुओं का रिहेबिलेशन सेंटर सबसे पहले कहां बनाया गया है या बनाया जाएगा, तो यह है भागलपुर, और भागलपुर पड़ता है आपका बिहार में। चलिए आगे आते हैं, द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज अनाउंस अ बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक इन कोस्टल एरिया, और ये है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश ने बैन लगा दिया है भाई प्लास्टिक के यूज पर। अच्छा, दुनिया की पहली कंट्री कौन सी थी जिसने बैन लगाया था, कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज की आखिरी स्लाइड जिसमें हम लोग वन लाइनर्स देख रहे हैं अभी तक के जो भी इंपॉर्टेंट थे, तो ईरान हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ कुछ फोर्स आफ्टर द डेथ ऑफ जनरल कासिम सुलेमानी। अभी मैंने आपको बताया जब अमेरिका ने हमला कर दिया तो
नाम याद रखिएगा, तो जिसको उन्होंने अपॉइंट किया तो वो है आपके इस्माइल कानी। आगे आते हैं, डेथ वारंट हैज बीन इशूड बाय द कोर्ट टू हैंग आउट ऑल द अक्यूज इन निर्भया केस। तो निर्भया केस आपको याद होगा आपका आज से 5-6 साल पहले हुआ था, ठीक है, मुंबई में, सॉरी दिल्ली में, और इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनको अब फांसी की सजा दी गई है, याद रखना। मुझे आप नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, जितने भी पूछे उनके भी बताइए। इसके अलावा द पर्सन ऑन होम द बुक कर्म योद्धा ग्रंथ वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह, तो वह है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, ठीक है। अमित शाह जी ने भी अपनी बुक लॉन्च कर दी। मुझे थोड़ी शिकायत है, इन लोगों को थोड़ा काम इस समय कम करना चाहिए, न्यूज बहुत ज्यादा आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करते जाना जितना भी आ रहा है। क्वेश्चन है, पॉली उमरीगर अवार्ड किसे मिला है? तो पॉली उमरीगर अवार्ड मिला है आपके जसप्रीत बुमराह को, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें एक सिटेशन मिलता है और कैश प्राइज मिलता है 15 लाख रुपए का, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए आगे आते हैं, आज का दूसरा क्वेश्चन रहा आपके सामने, और दूसरा क्वेश्चन ये रहा, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है माइकल देबा ब्राता पत्रा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, तो बंगाली नेम है मे बी, सो माइकल देबा ब्राता पत्रा, ओके, ये फोर्थ गवर्नर होंगे, ठीक है। आपको याद होगा तो विरल वी आचार्य ने रिजाइन कर दिया था पिछले साल जून में, ठीक है, तो उसी के बाद ही उसको सक्सीड करेंगे। इनकी जो टर्म होगी वो 3 साल की होगी, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इसे याद रखिएगा, क्योंकि कई बार टर्म्स भी पूछ लेते हैं बैंकिंग के एग्जाम में, और उसके अलावा पिछले पूछ लेते हैं, तो वो थे हमारे आचार्य जी। चलिए आगे आते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ ओमान सुल्तान, ठीक है, ओमान के सुल्तान का क्या नाम था जो अभी रिसेंटली पास्ट अवे हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो इसका सही जवाब है कबूस बिन सईद, ठीक है, क्या नाम है, कबूस बिन सईद, इसको याद रखना है, इनका भी 10 को ही हुआ था, न्यूज में अभी आए थे। चलिए आगे आते हैं, आज का चौथा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईरान्स ओनली वुमेन ओलंपिक मेडलिस्ट हु रिसेंटली अनाउंस टू लीव द कंट्री। एक बहुत बड़ा धब्बा होता है, मतलब सोचिए, एक तो आपको पता होगा जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है वहां पे औरतों को बहुत अधिकार दिए नहीं है, कोई ऑफेंड नहीं है, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बट जो गलत है तो है, छूट देनी चाहिए, हमें स्वतंत्रता देनी चाहिए, सबको अधिकार है, डेमोक्रेसी सबसे अच्छी फॉर्म होती है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ। तो ईरान की जो पहली कह सकते हैं या जो ओनली गोल्ड मेडलिस्ट थी, उन्होंने कंट्री छोड़ने की बात करी, उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका किमिया अली जादे, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्या है, किमिया अली जादे। इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था, और ये जीता था उन्होंने रियो ओलंपिक, ये होता रियो दो जेनेरियो में, ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये है ब्राजील में, इज दैट अंडरस्टूड। चलिए चलिए आगे आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन जहां ओनली वगैरह लग जाए ना तो आता है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम क्या है? ये नया नाम जो है रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर, तो अब नाम हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसका जो इनॉग्रेशन किया गया है, ये किया है आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ये एक पॉपुलर पॉलिटिशियन थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इसके अलावा ये बैरिस्टर भी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का छठवां क्वेश्चन रहा आपके सामने, विच सिटी प्लेज होस्ट टू एनुअल वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट ऑफ द ईयर 2020। सही जवाब इसका क्या होगा, अबू धाबी, रियाद, दुबई या शारजहा? इसका सही जवाब है आपका अबू धाबी, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें 33,500 पार्टिसिपेंट, लगभग 170 कंट्री से पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, ये याद रखना है, मतलब बहुत ही बड़ा है। और इसके अलावा इसमें एक थीम है, थीम का नाम याद रख लीजिए, थीम है रिथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। क्या है, रिथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, इज दैट अंडरस्टूड। और इसके अलावा इसमें CLIX क्लाइमेट इनोवेशन एक्सचेंज भी होगा, याद रखिएगा नाम, क्योंकि नाम पूछा जा रहा है, कई बार होता है कि कोई स्पॉन्सर करने लगता है, जैसे अब हमारे यहाँ IPL को वीवो ओप्पो करते हैं,
ठीक है, तो कई बार स्पॉन्सर करने लगते हैं या कोई साथ में काम करने लगते हैं तो उनके भी नाम पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस समिट के पिलर्स क्या हैं? तो देखिए, इस समिट के ना 5 पिलर हैं, और 5 पिलर्स में बात करूं तो एनर्जी, वाटर, सोलर, वेस्ट एंड स्मार्ट सिटीज। क्या है? एनर्जी, वाटर, सोलर, वेस्ट एंड स्मार्ट सिटीज, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कि ये जो आपका इवेंट हो रहा है ना, ये अभी तक का बेस्ट इवेंट होगा टू सपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू रिसाइकलिंग, रिमूविंग सिंगल यूज प्लास्टिक एंड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। तो मतलब एनर्जी के लिए काफी ज्यादा इसमें रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, व्हाट इज अ शॉपर व्हिच वाज समटाइम्स सीन इन न्यूज करेंटली। ये शॉपर क्या है? तो सर जी, ये शॉपर एक मालवेयर है। आपने कैस्परस्की का नाम सुना होगा, जो एंटीवायरस बनाती है। तो ये एक इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी और एंटीवायरस प्रोवाइडर है। इन्होंने इसे रिसेंटली अनाउंस किया है कि उनका एक मालवेयर है। उनका क्या मतलब, उन्होंने अनाउंस किया कि एक मालवेयर है जिसका नाम है शॉपर, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि ये एकदम से रेटिंग बढ़ाने लगता है ई कॉमर्स एप्लीकेशंस का, ठीक है, थ्रू सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफ द विक्टिम्स, ठीक है। तो ये मतलब एक तरह से नुकसान कर सकता है, मतलब आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, कहने की बात ये। आज का 8वां क्वेश्चन रहा, व्हाट इज द डेडलाइन टू सेपरेट रोल ऑफ चेयरमैन एंड एमडी इन टॉप 500 कंपनी एज पर द रीसेंट डायरेक्शन ऑफ सेबी। तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपनी रिसेंटली गाइडलाइन दी है। तो डेडलाइन क्या करिए जिसमें चेयरमैन और एमडी की पोस्ट अलग अलग होगी? तो इसकी जो डेडलाइन है वो है April 1st, 2022। देखो अभी यहाँ पे ऐसा तो नहीं सकता कल से अलग कर लो, भाई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अब अगर उसमें ऐसा आप करोगे कि कल से कर दो, तो एक सही पर्सन ढूंढना जरूरी है। अब सोच लो बैठा दिया जाए, जो अभी बैंक SSC की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो नहीं डील कर पाएंगे ना। तो ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे थोड़ी डेडलाइंस वगैरह रखी जाती है। चलिए आज का 9वां क्वेश्चन आपके सामने रहा, और क्वेश्चन है, When is the Armed Force Veterans Day observed? 12 January, 14 January, 15 January or 16 January? तो इसका सही जवाब है 14 January, ये आपका कल सेलिब्रेट किया गया था। ये फोर्थ नंबर का आर्म्ड फोर्स था, ठीक है, आर्म्ड फोर्स वेटरन डे था, ये याद रखना है। कौन सा? चौथे नंबर का था। तो ऑफकोर्स अब लास्ट टाइम कब बनाया गया था? 2019 में, 18 में, 17 में। तो ये चौथा है, तो 17 में फर्स्ट टाइम इसको मनाया गया था। इसमें है क्या? तो बेसिकली इसमें ना रिस्पेक्ट दी जाती है। तो और रिस्पेक्ट कौन देते हैं? ऑफकोर्स जो हमारे फील्ड मार्शल होंगे, अभी के में जो फील्ड मार्शल हैं वो हैं KM कैरियप्पा, ठीक है, ये याद रखना है। बेसिकली इसमें एक्नॉलेज किया जाता है और ऑनर किया जाता है जो सेल्फलेस डिवोशन होती है हमारे ऑफिसर्स की, और जो रही है उनके, जो हमारे वेटरन थे, मतलब जो हमारे पुराने ऑफिसर्स थे जो उन्होंने सेवाएं दी अपनी, उनकी, तो उनको याद किया जाता है, ऑनर किया जाता है। आज का 10वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, ठीक है, क्या नाम है उसका? तो इसका नाम है आपका फास्ट टेलीस्कोप, ठीक है। इसको चाइना ऑपरेशनलाइज कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करी जाए इस फास्ट टेलीस्कोप की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म को थोड़ा याद रखिएगा, वो है आपकी द 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप। मैं दोबारा बोल देता हूँ, द 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप, ठीक है। चलिए अब आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था आज का सवाल मकर संक्रांति के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली जो ये मनाया जाता है, किसके मरने पे मनाया जाता है, तो इसको मनाया जाता है शंकरासुर को, ठीक है। तो यहाँ पे शंकरासुर को मारा गया था, इसलिए ये सेलिब्रेशन किया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसको अलग अलग नाम से अलग अलग राज्यों में जाना जाता है, आपके राज्य में क्या जाना जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसी के साथ आज का वीडियो होता है खत्म। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।